हेलो ही नमस्कार दोस्तों, टैकी विशाल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कमाल की एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फोन को रोजाना यूज करते हो तो गाइज इन एप्लीकेशन के बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एप्लीकेशन आप सभी के मोबाइल फोन में कुछ टूल्स की तरह काम करेंगी, मीन्स ये एप्लीकेशन आप सभी के मोबाइल फोन में कुछ औजार की तरह काम करेंगी। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन पसंद आती है और आप लोग उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी जो डायरेक्ट डाउनलोडिंग लिंक है आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन को डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली एप्लीकेशन की। तो इस एप्लीकेशन का नाम है इन लॉन्चर। तो ये कोई नॉर्मल लॉन्चर नहीं है। जब इस लॉन्चर को अपने मोबाइल फोन में आप लोग लॉन्च करोगे तो यहाँ पे आप सभी के सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। गाइज यहाँ पे आप सभी को और लॉन्चर से काफी हटके फीचर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके ड्रावर की। तो यहाँ पे आप सभी को इस तरीके का सैमसंग के मोबाइल फोन के जैसा ड्रावर आप सभी को देखने को मिल जाता है, जो आपके मोबाइल फोन को एक अलग ही लुक देता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को ऐप लॉक मिल जाता है, जंक क्लियर मिल जाता है। यहाँ से आप लोग अपनी बैटरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी बैटरी कितने परसेंट है और यहाँ पे कितनी देर और चल सकती है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल फोन को बूस्ट कर सकते हो, यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाएंगे। और गाइस जो कलर फोन का सबसे अट्रैक्टिव फीचर मेरे को यही लगा, मतलब यहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिंगटोन सेट कर सकते हो। दोस्तों ये फीचर आपको किसी भी और एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को वीडियो रिंगटोन सेट करने का जो अवसर है ये एप्लीकेशन आप सभी को दे रही है। यहाँ पे आप लोग कोई भी अपने हिसाब से जो पसंदीदा आपकी रिंगटोन है यहाँ पे आप लोग उसको सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप सभी के सामने ऑनलाइन गेम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पे आप सभी को काफी सारे गेम ऑनलाइन मिल जाते हैं जहाँ पे आपको इनको डाउनलोड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग सिंपल इनको बिना डाउनलोड करे अपने मोबाइल फोन में खेल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को टूल किट भी मिल जाती है। एंड गाइस यहाँ पे आप सभी के सामने देखिए काफी सारे और भी फीचर इस एप्लीकेशन के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सभी को फोल्डर ऑटोमेटिकली बने हुए मिल जाएंगे और यहाँ पे आप सभी को इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अगर गाइस यहाँ पे आप लोग इसमें और भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप लोग काफी सारे ट्रांजैक्शन इफेक्ट भी लगा सकते हो। गाइज अगर आप कोई बढ़िया लॉन्चर अपने मोबाइल फोन के लिए ढूंढ रहे हो तो इन लॉन्चर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों हमारी दूसरी एप्लीकेशन इससे भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग मेरे मोबाइल फोन की राइट साइड में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक तीर सा आपको दिखाई दे रहा है। अगर गाइज यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन की पांच काफी सारी एप्लीकेशन खुल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन में जीमेल है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूसी ब्राउजर है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे को कोई जीमेल पे मेल आया और मैं मेल पढ़ रहा हूँ और गाइज मेल पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि यार मेरे को यूट्यूब पर कोई वीडियो देखना है तो यहाँ पे मैं सिंपल यूट्यूब पर क्लिक करूंगा और मेरे मोबाइल फोन में यूट्यूब डायरेक्ट खुल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं व्हाट्सएप पे जाना चाहता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं अपने व्हाट्सएप में चला जाऊंगा। इसी बार दोस्तों मेरे को जाना है इंस्टाग्राम में, सिंपल यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम में क्लिक कर दूंगा और मेरे मोबाइल फोन का इंस्टाग्राम जो है यहाँ पे सक्सेसफुली खुल जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोग मल्टीटास्किंग करना चाहते हो तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन में आप लोग किस तरीके से सेटअप कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर से इसको अनेबल करना है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को नीचे से भी इसको इनेबल कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे आप सभी के सामने देखिए काफी सारे प्लस के आइकॉन आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग जितनी चाहो उतनी एप्लीकेशन अपने इस ड्रावर में जोड़ सकते हैं। गाइस यहाँ पे आप सभी को काफी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। आप लोग इसमें जितनी चाहे जोन सी भी एप्लीकेशन यहाँ पे जोड़ना चाहते हो यहाँ पे आप सभी अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशन जोड़ सकते हो। अगर यहाँ पे आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन ज्यादा है आपको नहीं मिल रही तो यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हो। अब गाइस एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए सिंपल आपको उस एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, वो एप्लीकेशन आपके ड्रावर में जुड़ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए इन सब फीचर को भी जोड़ सकते हो। यहाँ पे टूल जोड़ सकते हो, वेदर जोड़ सकते हो, मतलब यहाँ पे आप सब चीज जोड़ सकते हो। सिंपल यहाँ पे आपको इनको अनेबल करना है और गाइस ये जो फीचर है आप सभी के ड्रावर में इस तरीके से ओपन हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन में इस तरीके का तीर आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप लोग काफी सारी एप्लीकेशन को हैंडल कर सकते हो सिर्फ एक एप्लीकेशन के थ्रू। दोस्तों हमारी तीसरी एप्लीकेशन आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगी क्योंकि आप सभी को इसमें 300 से भी ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाती हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन को जब आप अपने मोबाइल फोन में ओपन करोगे तो यहाँ पे आप सभी के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप सभी को देखिए ट्रांसलेटर मिल जाता है, यहाँ पे आप सभी को नोटपैड मिल जाएगा, डिक्शनरी मिल जाएगा, एक्सरसाइज है, यहाँ पे आप सभी को फ्लैशलाइट मिल जाएगा, फाइल मैनेजर मिल जाएगा, कटर मिल जाएगा, मतलब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को काफी सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे ऊपर की साइड तीन लाइन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप सभी के सामने सोशल मीडिया का एक ऑप्शन आ जाता है। अगर आप
यहाँ पे क्लिक करते हो तो जितने भी सोशल मीडिया है यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल प्लस है, लिंक्डइन है, काफी सारे सोशल मीडिया जितने भी हैं गाइज सोशल मीडिया नेटवर्क यहाँ पे आप सभी के सामने इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो फिर से तो यहाँ पे आप लोग पूरी दुनिया की जितनी भी न्यूज है यहाँ पे आप लोग न्यूज भी पढ़ सकते हो। तो गाइज इस एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट किट और गाइज इस एप्लीकेशन में आपको एक भी एड देखने को नहीं मिलता। प्ले स्टोर पे इसके जैसी काफी सारी एप्लीकेशन है लेकिन वो सारी एप्लीकेशन में आपको एड देखने को मिलते हैं और वो एप्लीकेशन अच्छी तरीके से अपना काम भी नहीं करती, लेकिन ये एप्लीकेशन अपना काम बखूबी निभाती है। गाइज यहाँ पे आप सभी को जो भी फीचर देखने को मिलता है यहाँ पे आप सभी को इस एप्लीकेशन के द्वारा ही डेवलप किया हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे आप सभी को कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता। तो गाइज अगर आप अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज को बचाना चाहते हो तो गाइज स्मार्ट किट एप्लीकेशन आप सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों हमारी अगली एप्लीकेशन आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगी। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है हिडन ऐप्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन में हमारे दोस्त ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं जिनसे वो हमारी सारी कॉल फॉरवर्डिंग सुन रहे हैं, हमारे मोबाइल फोन का सारा डेटा अपने मोबाइल फोन में भेज रहे हैं, हमारे फोन को हैक करके रखा है उन्होंने और गाइज हमारे को मोबाइल एप्लीकेशन जो है अपने मोबाइल फोन में दिखाई भी नहीं देती। तो गाइज इस एप्लीकेशन की मदद से आप लोग उन एप्लीकेशन को देख सकते हो और यहाँ से आप लोग डायरेक्ट उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप सभी के सामने एक सेटिंग का आइकॉन आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज आपके मोबाइल फोन की सेटिंग खुल जाएगी और यहाँ से आप लोग इन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों ये एप्लीकेशन आप सभी के बहुत ज्यादा काम आ रही है। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल फोन में कुछ ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हुई है जो आपके मोबाइल फोन का डाटा दूसरे के पास भेज रही है तो गाइज आप लोग इन एप्लीकेशन की मदद से सारी एप्लीकेशन को फाइंड करके यहाँ से आप लोग अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो गाइज यही थी वो चार एप्लीकेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।